तो हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में मैक्सिमा एंड मिनिमा का ग्राफिकल अप्रोच कैसे होता है, तो आज हम एक टेस्ट पढ़ते हैं जहां टेस्ट से हम समझेंगे कि लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा कैसे लोकेट करते हैं या निकालते हैं और ग्राफ से हम कैसे समझते हैं कि नहीं वेब से हम लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा बोल देंगे और वो पॉइंट पर वो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा देगा वो कैसे सोचेंगे, ये स्टेप वो होती है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट होती है हमारी। ठीक है, तो जो हमारी जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है उसकी सबसे पहली जो स्टेप है वो स्टेप है स्टेप वन। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन से और स्टेप वाइज हम जाएंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं वर्क करूँगा। ठीक है, स्टेप वन जो है वो क्या बोलता है कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू आपका जीरो आना चाहिए सबसे पहला। क्या कि सबसे पहले आपको फंक्शन में क्या करना, डेरिवेटिव करना है, उसे इक्वल टू जीरो करना है। क्या करना, इक्वल टू जीरो करना है। मतलब सबसे पहले टेस्ट क्या है हमारी फॉर फाइंडिंग द लोकल एंड मैक्सिमा मिनिमा, सबसे पहले टेस्ट क्या है हमारी कि वो डेरिवेटिव क्या होना जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो लेना है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल करके एक फंक्शन ले लूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जैसा मैं ले लूँ एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। अगर इसका मैं एफ डैश ऑफ एक्स निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3, समझ रहे हो। और ये जो एफ डैश ऑफ एक्स मुझे किसके इक्वल लेना है, जीरो के इक्वल लेना है। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू जीरो, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू जीरो। सो यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो ये 0/3 जीरो हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो और यहाँ से आपको मिलेगा x इक्वल टू प्लस माइनस। ठीक है, अब फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमा, ऐसा क्वेश्चन कर रहा हो कि सारे जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको उसका लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा क्या होगा। जो अब यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, दो पॉइंट्स मिले और ये आपके क्या होते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। तो बोले सर एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब मैंने आपको बताया ग्राफिक में, एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमम मिलता है वहाँ पे हम एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे आप क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब पहली स्टेप तो हमारी क्लियर होगी कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो के इक्वल लेना है। ठीक है, उसके बाद उससे पॉइंट्स निकालना। स्टेप टू जो होती है वो क्या होता है, स्टेप टू होती है लोकेट एक्सट्रीम पॉइंट्स, लोकेट एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन। क्या करना है आपको, लोकेट करना है। लोकेट करना है मतलब क्या कि आपको वो नंबर लाइन पे उसको दिखाना है वो कहाँ पे है, एंड उसके बाद लोकेट करना है मतलब हम लोकेट करते हैं ना वही हम लोकेट यहाँ पे पॉइंट्स पे करेंगे या पॉइंट्स को करेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लोकेट एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन अ नंबर लाइन बोला है। तो हमारे जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वो आए वो क्या है प्लस माइनस वन आया, तो हम क्या करते हैं लोकेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं लोकेट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल E1 है और यहाँ पे E2 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पॉइंट्स जो है वो हमारे क्या है माइनस वन और वन। ठीक है, ये लोकेट होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस वन यहाँ आएगा और प्लस वन वहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, लोकेट तो कर दिया हमने नंबर लाइन पे, लिख रहा है आपको नंबर लाइन ही है माइनस और वन, तो हमने लोकेट कर दिया हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स, हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स जो हमने वहाँ पे कर दिए हैं लोकेट कर दिए हैं। पर इसके बाद वाला क्या, इसके बाद क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे आपका एफ डैश ऑफ एक्स के पॉइंट्स है, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स और यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स। और ध्यान रखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि ये डिसजॉइंट इंटरवल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट इंटरवल्स। डिजॉइंट इंटरवल्स क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको पता है कि अगर मैं ये साइड में जाऊँगा ये साइड में तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी वैल्यू भी आएगा और वो साइड में ये देखो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन एक इंटरवल बनेगा, माइनस वन से वन एक इंटरवल बनेगा और वन से वहाँ पे, क्योंकि सारे ओपन होंगे तो डिसजॉइंट होगी। ठीक है, सारे ओपन होंगे तो क्या होगी, डिसजॉइंट होगी, एक मिनट कंटेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या समझना है, तो आप प्लस इन्फिनिटी बोल रहे हैं, यहाँ पे मुझे क्या बताना है आपको, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स इसके पॉइंट्स हैं मेरे जो मैंने लोकेट किए। ठीक है, माइनस में और वन, अब यहाँ पे करना है आपको एफ डैश ऑफ एक्स की साइन चेक साइन। ठीक है, यहाँ पे भी चेक साइन, यहाँ पे भी क्या करना है चेक साइन।
मतलब तीनों की साइन चेक करनी। बट ये साइन चेक करनी कैसी होती है मैं आपको बता देता हूँ कैसे करनी होती है, ठीक है। क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले डिजाइन इंटरवल होनी चाहिए आपको ध्यान रखना है, उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स की यहाँ पे साइन चेक करनी है, बीच में साइन चेक। अभी ये यहाँ पे दो पॉइंट्स है, कभी कभी तीन पॉइंट्स आ जाए, तो तीन नंबर लाइन पे लोकेट करना और यहाँ पे बराबर उस हिसाब से एफ डैश ऑफ एक्स डैश ऑफ एक्स बराबर इंटरवल डिजाइन पे सारे एफ डैश ऑफ एक्स को चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसा मिलेगा देखते हैं, देखो एफ डैश ऑफ एक्स जो हमारा आया था वो क्या आया था, बी एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखो माइनस वन के इधर वाला जो पॉइंट है, अगर माइनस वन के इधर वाला पॉइंट है तो यहाँ पे मैं माइनस टू ले लेता हूँ, ले सकता हूँ ये साइड में, तो मैं ये साइड के पॉइंट्स को लेके देखता हूँ और मेरा आउटपुट क्या मिलता है वो देखता हूँ। मैं इनपुट क्या करूँ, माइनस टू करो तो थ्री माइनस टू का स्क्वायर माइनस थ्री, तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है थ्री और ये फोर माइनस थ्री, तो फोर दिशा क्या था ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस थ्री, तो ये क्या था ट्वेल्व माइनस थ्री क्या होता है, बोले सर ट्वेल्व माइनस थ्री तो नाइन होता है, नाइन होता है, तो नाइन क्या दे रहा है हमें पॉजिटिव वैल्यू, क्या दे रहा है पॉजिटिव। मतलब मैंने क्या बोला एफ डैश ऑफ एक्स की क्या करना है साइन चेक करनी है, मतलब ये जो मुझे दे रहा है ये मुझे पॉजिटिव दे रहा है, क्या दे रहा है पॉजिटिव, मैंने प्लस में देना, ठीक है। इस इंटरवल के लिए मुझे क्या दे रहा है पॉजिटिव दे रहा है। अब ये साइड तो होगी मेरी, अब माइनस वन तो उधर वाली साइड के बारे में बात करें, सेम एफ डैश ऑफ एक्स में चेक करना, क्योंकि मैंने अभी बोला एफ डैश ऑफ एक्स की क्या करना है साइन चेक करनी है, ठीक है। तो मैंने ये साइड भी चेक कर लिया, अभी ये बीच वाली चेक करता हूँ मैं, माइनस वन के बाद वाला नंबर देख लेते हैं, खादा जीरो ले लेते, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो आता है ना यहाँ पे बीच में, माइनस वन के बीच में जीरो ले लेते, डाल देते हैं एफ डैश ऑफ जीरो, तो क्या हो जाएगा थ्री जीरो और ये माइनस टू, ये माइनस क्या आ रहा है निगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है निगेटिव, तो यहाँ से आप क्या करोगे निगेटिव, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा सिंपल साइन चेंज करो, पहले मैंने एक्स इक्वल टू माइनस टू डाल के देखा, यहाँ पे पॉइंट चेक किया उनसे कुछ डाले, मैंने एक्स इक्वल टू माइनस टू डाला, उसके बाद एक्स इक्वल टू जीरो डाला। अब मैं वन के उधर वाले देता हूँ, तो वन के उधर वाले सारे पॉजिटिव है, तो मैं टू डाल देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू टू मैंने तीसरा पॉइंट डाल दिया चेक करने के लिए, फॉर चेकिंग, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स की मुझे क्या करनी है साइन चेंज कर चेक करनी है, ठीक है। तो यहाँ से थ्री और टू का स्क्वायर माइनस थ्री, तो यहाँ से क्या करें थ्री इंटू फोर माइनस थ्री, तो फोर जीरो ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस थ्री क्या हो रहा है नाइन, ठीक है। क्या मिल रहा है नाइन मिल रहा है, बट ये क्या मिल रहा है वापस पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको मी समझ गया होगा, मैंने क्या किया सिंपल साइन चेक किए, क्या किए साइन चेक किए, एक ये साइन प्लस वाली और एक माइनस वाली और एक प्लस वाली, यहाँ तक आपको समझ गया होगा। बट इसके बाद वाली स्टेप क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेट एक्सट्रीम पॉइंट्स करना है आपको, सबसे पहले डिजॉइंट इंटरवल होने चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स की तीनों, इसमें साइन चेक करना, माइनस वन के इधर पहले पॉइंट, मतलब कोई ऐसे जरूरी है माइनस वन आपका दूसरा भी पॉइंट मिला, ये साइड में चेक करना, बीच में चेक करना दो पॉइंट्स का, वो साइड में चेक करना, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये स्टेप सेकंड थी हमारी, स्टेप सेकंड थी, स्टेप सेकंड जो थी लोकेट करना था, और ये स्टेप थर्ड थी, ओके स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड कौन सी थी साइन को चेक करना। अब स्टेप फोर्थ, स्टेप फोर्थ क्या है आइडेंटिफिकेशन स्टेप बोलेंगे, क्या बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन स्टेप, आइडेंटिफिकेशन स्टेप मतलब किसी इस आइडेंटिफिकेशन स्टेप को हमको क्या करना है आइडेंटिफाई करना है कि वो पॉइंट पे वो फंक्शन क्या दे रहा है, मैक्सिमम दे रहा है मिनिमम दे रहा है। तो इसके लिए जो सोचना होता है वो कैसे सोचना होता है देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी नंबर लाइन, अगर आपका पॉजिटिव, आपका सबसे पहले साइन क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है डायरेक्शन, पॉजिटिव से निगेटिव। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में तो बात अलग है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री तो हम नंबर लाइन पे नहीं, हम एंगल के हिसाब से सोचेंगे, बट यहाँ पे हमारे पॉइंट्स जैसे हम पॉइंट्स के हिसाब से सोचते हैं, तो पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है। अगर आपका ग्राफ ऐसा जाता है, मतलब पहले पॉजिटिव देता है फिर निगेटिव देता है, ठीक है, अगर आपका ऐसा जा रहा है और ये कौन से पॉइंट के लिए जा रहा है माइनस वन के लिए जा रहा है, तो वहाँ पे फंक्शन आपका मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्या देगा मैक्सिमम वैल्यू, जैसा ये प्लस है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है माइनस वन है और यहाँ पे आपकी साइन क्या आई थी माइनस आई थी, तो ये क्या कर रहा है पॉजिटिव से क्या कर रहा है निगेटिव पे जा रहा है। अगर ऐसा जाता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा जो होगा आपका माइनस वन होगा, ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन स्टेप है ये, देखो सबसे पहले क्या करना है आपका पॉजिटिव साइन, राइट, ये पॉजिटिव साइन से आपको कहा जा रहा है निगेटिव साइन जा रहा है, पॉजिटिव साइन से कहा जा रहा है निगेटिव साइन पे जा रहा है, अगर ये पॉजिटिव साइन से निगेटिव साइन से डायरेक्शन जा रहा है तो समझ लेना ये क्या देगा आपको मैक्सिमा देगा, क्या देगा मैक्सिमा, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो यहाँ से देयर फॉर आप बोल सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप जैसा मैंने यहाँ पे इवन ले लिया, ठीक है, क्योंकि मैं इवन और
P2 में कंसिडर कर रहा था ज़्यादा, तो ये पॉजिटिव से निगेटिव के डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए आप यहाँ से बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमम देगा। तो -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू निकालना कैसे होता है, तुम बोले सर एफ डैश में डाल दो, देखो एफ डैश इज अ स्लोप, एफ डैश का दिखा रहा है आपको स्लोप दिखा रहा है, मतलब टेंजेंट पास हो रही है, बट जो ग्राफ बन रहा है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ मेरा एफ ऑफ एक्स से बना है, इससे बना है एफ ऑफ एक्स से बना है, बट मेरा एफ डैश अगर आ गया मतलब डेल्टा आ गया, मतलब स्लोप आ गया तो टेंजेंट आ गया। मुझे टेंजेंट के बारे में बताना है, मुझे स्लोप के बारे में बताना है, वो पिक पॉइंट बताना है मुझे, क्या बताना है पिक पॉइंट, इसलिए मैं ये -1 जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन है उसमें डालू, क्योंकि इसका कोई जो ग्राफ बने कोई जो कर्व बने ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ऊपर नीचे वाला, इसलिए मैं एफ डैश में नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि एफ डैश की बात होती है तो हम टैनिंग की बात करते हैं, यहाँ पे हम एफ ऑफ -1 किस में डाल रहे हैं, फंक्शन में डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि इसका ग्राफ कुछ तो मैंने साइन एक्स का बताया, बट यहाँ पे ग्राफ है, इसका ग्राफ को ऐसे ही बनेगा, ठीक है, और ये ग्राफ पे ये पिच पे, ठीक है ये पिच पे कौन सा पॉइंट दे रहा है, -1 वहाँ पे मैक्सिमम दे रहा है, इसलिए हम ये -1 डाल के तरीके देख रहे हैं ये फंक्शन में, ठीक है, क्योंकि मेरे को लोकल मैक्सिमा कैसे पता चला, ये पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, इसलिए तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा -1 का क्यूब -3 × -1 + 3, तो यहाँ से मुझे मिलेगा क्या -1 और ये +3 हो जाएगा और ये +3, ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलने वाली वैल्यू क्या मिलेगी, दैट्स इंपॉर्टेंट, और यहाँ से मुझे मिलेगा 2 + 3 और ये हो गया 5, क्या मिलेगा मुझे 5 मिल गया, क्या मिल गया 5, ठीक है, तो ये मेरी मैक्सिमम मतलब लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब तुम बोले कभी मैक्सिमम बोलते आप कभी लोकल मैक्सिमम बोलते हैं, तो देखो दोनों भी चीज़ एक ही है, बट लोकल मैक्सिमम क्या बोलता है कि छोटे इंटरवल को कंसिडर करती है, लोकल इंटरवल को कंसिडर करके हम वहाँ पे ढूंढते हैं, ठीक है, बट मिलती तो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, तो वहाँ पे हम इसलिए लोकल मैक्सिमम बोलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या आती है 5 आती। अब ये तो बात थी किसकी, मैक्सिमम वैल्यू की। अब आप सोचोगे कि सर लोकल मिनिमा के बारे में क्या सोचना, लोकल मिनिमा के बारे में कैसे सोचना, तो यहाँ तक आप लिख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लो या आपको जो भी लगे लिख लेना, प्रॉपर लिख लेना, वीडियो पॉज करके करना है आपको, ठीक है सर, तो मैं ये चीज़ मिटा देता हूँ। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगी वो क्या होगी, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगी, तो स्टेप हमारी कौन सी होगी 5, स्टेप हमारी कौन सी होगी 5, वो भी आइडेंटिफिकेशन स्टेप होगी, बट आइडेंटिफिकेशन फॉर द लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी आइडेंटिफिकेशन स्टेप, अब ये लोग आइडेंटिफिकेशन स्टेप आप बोलेंगे ये भी और ये भी है, बट मैं बोलूंगा आइडेंटिफिकेशन स्टेप वो जो मैंने ली थी वो किसके लिए ली थी, लोकल मैक्सिमा लोकल, अब जरूरी नहीं यहाँ पे निगेटिव टू पॉजिटिव भी जा सकता है, ठीक है, तो दो आइडेंटिफिकेशन स्टेप आ जाएंगे ना, पहले मैंने आइडेंटिफिकेशन स्टेप कर लिया, तो आइडेंटिफिकेशन स्टेप करने का मुझे क्या मिला लोकल मैक्सिमा, ऐसा जरूरी है लोकल मिनिमा भी मिल सकता है, बट इस केस में मुझे लोकल मैक्सिमा मिला। अब दूसरी आइडेंटिफिकेशन स्टेप करूंगा मैं, क्योंकि मेरा एक पॉइंट के लिए तो काम हो गया है, एक पॉइंट की आइडेंटिफिकेशन स्टेप हो गया, अब दूसरे पॉइंट की आइडेंटिफिकेशन स्टेप क्या है, चलो करते हैं वर्क। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ जितना, क्योंकि क्रिटिकल ये लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ, तो क्रिटिकल पॉइंट से मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, मैं इधर समझाता हूँ आपको एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है आपके पास। देखो अगर आपके पास ये E1 है और ये E2 है, ठीक है, ये क्या E1 है और E2 है। अब बात हो रही है यहाँ पे किसकी, आइडेंटिफिकेशन स्टेप की, पहले तो कर लिया मैंने, अब मैं यहाँ से आ गया, अब मैं यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, पॉजिटिव में जा रहा हूँ, तो ये जो डायरेक्शन है मेरी, ठीक है, निगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाना, ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, क्या बोला मैंने आइडेंटिफिकेशन साइन पे, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन स्टेप पे एक्सट्रीम पॉइंट्स जो है हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स यहाँ पे क्या क्या थे, -1 और 1 थे, पहले मैंने क्या किया पॉजिटिव से निगेटिव है, ये साइन से ये साइन पे गया, ठीक है, तो पॉजिटिव से निगेटिव पे जा रहा है मतलब ये लोकल मैक्सिमम देगा। अब ये निगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहा है तो क्या देगा, ध्यान रखना है आपको, निगेटिव को पॉजिटिव पे जा रहा है तो देगा लोकल मिनिमा, क्या देगा लोकल मिनिमा, ये चीज ध्यान रखना है आपको, क्या देगा लोकल मिनिमा, और यहाँ से आप देख सकते क्या होगा कि पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा आपका 1, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव गया तो लोकल मैक्सिमा, निगेटिव टू पॉजिटिव गया तो लोकल मिनिमा, और यहाँ से आप देख सकते हो
कि x इक्वल टू वन डालूंगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा, और ये x इक्वल टू वन क्योंकि मेरे कर्व बन रहे जो भी बनेंगे वो मेरे किसको किसके लिए बनेंगे, फंक्शन के लिए बनेंगे, इसलिए मैं ये x इक्वल टू वन इस पर चेक करूंगा और वो पॉइंट की जो हमारा वैली है उस पर चेक करूंगा कि नीचे का पॉइंट कैसे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ऑफ वन इक्वल एक्स क्यूब, मतलब एक्स की जगह मुझे वन डालना, वन का क्यूब और माइनस थ्री ऑफ वन प्लस टू, किसमें डाला मैंने एफ ऑफ एक्स में डाला है, यहाँ पे एफ ऑफ वन की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी देखते हैं, वन माइनस थ्री प्लस माइनस टू प्लस मुझे मिल रहा क्या वन, तो ये मेरा है लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, और मेरा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ये है x इक्वल टू वन, और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या है माइनस वन, और उसकी वैल्यू क्या है फाइव, आपने लिखा होगा। तो ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन जो आपको समझना चाहिए था, और बहुत ईजी था क्वेश्चन था इसमें, बट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्टेप्स को आपको प्रॉपर रिमेंबर और याद रखना है, भूलना नहीं है, आप क्वेश्चन भी ट्राई करके देखना, हम नेक्स्ट लेक्चर में तो हम क्वेश्चन लेने वाले, बट इस पर थोड़ा अभी इंट्रोडक्शन और ग्राफिकली अप्रोच में बता देता आपको, इसका थोड़ा सा और डीप में समझेंगे हम। ठीक है, ये आपने राइट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, पॉज करके वीडियो कर लेंगे। अब देखो ये सब चीज सीखे हमने, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो सीखे हमने इसका मतलब क्या है, देखो आपको पता है कि मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही हूँ, यहाँ पे P1 ले लेता हूँ, यहाँ पे P2 ले लेता हूँ, अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा हूँ तो मुझे लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूँ तो मुझे लोकल मिनिमम मिल रहा है, बट यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि नेगेटिव से अगर आप नेगेटिव पे गए तो क्या होगा, तो इस केस में हम इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आपको फिजिक्स में भी होगा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जब आपकी साइन ये साइड में और वो साइड में दोनों की साइड में सेम आ रही है तो उसमें हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब चेंज नहीं होते पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव से, क्या बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और यहाँ पे हमने नॉट मैक्सिमा नॉट मिनिमा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ना मिनिमा मिलेगा इस पॉइंट पे ना मैक्सिमा, तो ये दो चीज़ ध्यान रखना है आपको कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर आपका कोई डायरेक्शन से जा रहा है और वही डायरेक्शन आपको मिल रहा है, मतलब निगेटिव से निगेटिव पे जा रहा है तो आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा, मतलब वहाँ पे मैक्सिमम भी मिलेगा नहीं यानी मिनिमम भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पे कैसे वर्क करता है, सी वन है और ये सी टू है फॉर एग्जाम्पल, ये दो है ना एक्सट्रीम पॉइंट्स है, अब फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा कर्व है, ये तुम्हारा कर्व, अब देखो अगर मैं बात करूँ तो मेरी ये साइड में कौन सी साइन आई थी पॉजिटिव और ये साइड पे क्या आई थी निगेटिव, तो आपको पता है अगर मैं ये जो मेरा पॉजिटिव आया था मेरा एफ डैश ऑफ एक्स में मैंने डालने के बाद मुझे मिला था ये साइन कुछ तो भी नाइन मिला था पॉजिटिव, ठीक है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स में मैंने डालने के बाद मुझे पॉजिटिव साइन मिला, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये साइड में बनेगा टेंजेंट, ठीक है, ये साइड में टेंजेंट बनेगा ना, क्योंकि हम ये साइड में ढूंढ रहे हैं इसको, ठीक है, ये साइड में टेंजेंट बनेगा, ठीक है, अब इसके नेबरहुड में कुछ तो मिल रहा है हमें, क्योंकि इसके नेबरहुड में मैंने एक पॉइंट लिया ना सी वन के नेबरहुड में, मतलब सी वन माइनस डेल्टा सी वन प्लस डेल्टा ये साइड मतलब, तो सी वन माइनस डेल्टा मतलब इसके नेबरहुड में एक पॉइंट लेके देखा मैंने, उस पॉइंट में मुझे क्या मिला पॉजिटिव मिला, मतलब कैसे ये डायरेक्शन से ऐसा टेंजेंट निकालना पड़ा और ये डायरेक्शन से क्या होता है पॉजिटिव होता है ये फर्स्ट एक्सिस राइट, तो पता है डायरेक्शन क्या होता है पॉजिटिव होता है टेंजेंट यहाँ पर बनेगा। अब जब अगर मैं बात कर रहा हूँ ये साइड की तो ये मेरा क्या बन रहा है निगेटिव, मतलब यहाँ से मेरा टेंजेंट क्या हो रहा है निगेटिव बन रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि ऐसा ग्राफ क्या होता है निगेटिव होता है ऐसा ऐसा ग्राफ क्या होता है पॉजिटिव, आपको पता है, और इसके बीच में मुझे क्या मिल रहा है लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये वैल्यू होगा और ये पॉइंट होगा और ये क्या होगा लोकल मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है, मतलब आप इसके नेबरहुड में एक पॉइंट को ऐसा ढूंढ रहे हो जहाँ पे आपको पॉजिटिव मिले इसलिए आपने ऐसा टेंजेंट बनाया, और यहाँ से आप ढूंढ रहे हो तो आपको एक नेगेटिव मिले तो इसलिए आपने ऐसा ऐसा टेंजेंट बनाया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव इसलिए उसके बीच में आपको लोकल ऑफ मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो लार्जेस्ट स्लोप नेगेटिव आ रहा होगा ऐसे सिचुएशन में, बीच में हम मैक्सिमम ही मिलेगा राइट,
क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे लार्जेस्ट जो है, ये लिख रहा है आपको, ये लार्जेस्ट टेंजेंट बनेगा कुछ तो भी, और उस लार्जेस्ट टेंजेंट में आपको जो ये बीच में मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, लोकल मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे C1 और C2 आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, और ये दो चीज़ें आपको समझ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आपको समझ गया, ये आपने लिख लिया होगा, थोड़ा आपको समझने के लिए मैं हिंदी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो अब कैसा होगा, ये डायरेक्शन से दूंगा, और यहाँ पे क्या आया था मेरा निगेटिव, और यहाँ पे क्या आया था मेरा पॉजिटिव। यहाँ पे वो बताया ग्राफ कैसे बनते निगेटिव और निगेटिव, और मेरा स्लोप क्या होगा निगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा निकालना है, तो जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है उस पॉइंट पे आपको लेना है एम डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब तुम बोलेंगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि आप एम डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो लेना है। मैं आपको बोल दूँ, देखो ये आपका पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ऑफ क्या है, लोकल मैक्सिमम, हाँ सॉरी ये कौन सा वैल्यू आपका, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू, आप जब लोकल मैक्सिमम पॉइंट डाला तब आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिली, और वो वैल्यू किससे मिली आपको, एफ डैश ऑफ एक्स से मिली ना, मतलब ये क्या कि आपने टेंजेंट बनाया, क्या बनाया टेंजेंट, और यहाँ पे आपने क्या बनाया टेंजेंट बनाया, तो ये पॉइंट मिल रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे आपको मिल रही है लोकल मिनिमा, और यहाँ पे मिल रहा है आपको लोकल मैक्सिमम, ये साइड से टेंजेंट, ये साइड से टेंजेंट, इस बीच में वाला पॉइंट वो आपका होगा लोकल मिनिमा, और ये होगा आपका लोकल मैक्सिमम, ठीक है। तो इसके बीच वाले आने वाली बैट जो पॉइंट होता है उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिली 100% है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो के इक्वल लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एफ डैश ऑफ जीरो के इक्वल लिया मतलब स्लोप एक्जिस्ट कर रहा, और वो स्लोप जो लिख रहा है ये लाइन पैरेलल टू एक्सिस है, और ये लाइन पैरेलल टू एक्सिस है, द लाइन इज पैरेलल टू एक्सिस, देन द स्लोप इज जीरो, ये आपको पता है। मतलब यहाँ पे आपको पॉइंट मिल रहा है, इंटरसेक्शन मिल रहा है, वहाँ पे आपका स्लोप क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ध्यान रखना है, ये स्लोप में भी जीरो नहीं हो रहा, ये स्लोप में भी जीरो हो रहा, ये स्लोप में आपका जीरो हो रहा है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट में भी जीरो नहीं हो रहा, ये टेंजेंट में भी जीरो नहीं हो रहा, ये टेंजेंट में आपका पैरेलल टू एक्सिस इसलिए जीरो हो रहा है, और ये लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमम, ठीक है। तो एक्स डोमेन में वो पॉइंट आ गया जाएगा जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। अगर एक्स का डोमेन है आपका, और वो पॉइंट्स आ जाएगा जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है, वो पॉइंट्स तुम्हारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए, ठीक है। मतलब जैसा वहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन आया था, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, मेरे पॉइंट्स क्या थे, एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। अगर मैं एक्स इक्वल टू वन डाल दूँ तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था, वन सॉरी थ्री ऑफ वन माइनस थ्री, ये जीरो आ रहा है, और माइनस वन डालूँगा तो क्या देना, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या थ्री माइनस वन का स्क्वायर माइनस थ्री, तभी भी जीरो आ रहा है। तो ऐसा पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे वो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो आए, वही आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, क्या हो गए, एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे, ध्यान रखना है। जहाँ पे आपके पॉइंट्स वो एफ डैश में डालने के बाद जीरो कैंसिल देता है, वहाँ पे आपका वो पॉइंट्स क्या हो गए, एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे, और एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो एक्स हो गए वो आपके क्या हो गए, डोमेन होंगे, और डोमेन में वो जो पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएंगे, डोमेन में वो पॉइंट्स आएंगे, ये क्या है आपके डोमेन के पॉइंट्स है ना, आपके क्या है डोमेन के पॉइंट्स है, और डोमेन में वो क्योंकि हम एक्स में डाल रहे हैं, और ये एक्स क्या रहता है आपका डोमेन रहता है ना, डोमेन में वो पॉइंट्स डालोगे जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जीरो आएंगी, वो आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे, यहाँ तो मैक्सिमम अटेंड कर रहा होगा, या तो मिनिमम अटेंड कर रहा होगा, या तो मैक्सिमम अटेंड कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल में माइनस वन आपका मैक्सिमम अटेंड कर रहा था, और वन आपका मिनिमम अटेंड कर रहा था, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट फिर जाना है, लेफ्ट से राइट ऐसा करते रहना है, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक थ्योरम मिलता है, मैं ये थोड़ा रफ कर देता हूँ, आई होप सो आपको इंट्रोडक्शन समझ गया होगा कैसा करना है। यहाँ पे आपको थ्योरम क्या मिलता है, The point on which the local maxima and local minima occurs. The point on which the local maxima and local minima occurs either वो होगा
एम डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, एक तो एम डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो मिल रहा था जो हमने एक्स पॉइंट देखे थे, और फंक्शन ही वो डिफरेंशियबल नहीं होगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल, अगर डायरेक्ट ही हम वहां पे बता सकते हैं फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल। ठीक है, तो ये तो चीज आपको मैंने पहले प्रूफ करके दी है कि अगर आपको कोई भी पॉइंट रीच्ड लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम मिलना है तो आपको f डैश ऑफ x इक्वल टू जीरो आना चाहिए, f डैश ऑफ x इक्वल टू जीरो लेना है, f डैश ऑफ x इक्वल टू जीरो भी लेना है क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया कि जो भी आपका पॉइंट मैक्सिमा या आपका मिनिमा आ रहा है तो वहाँ पे आपके पॉइंट पीक पे यहाँ पे भी नीचे वैली पे आपको दोनों पे भी क्या मिलेगा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा टैंजेंट का, वहाँ भी आपकी लाइन क्या होगी पैरेलल टू एक्सिस होगी, और पैरेलल टू एक्सिस होगी वही आपका क्या रहेगा यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या रहेगा सी वन, और ये आपकी बनेगी वैल्यू एफ ऑफ सी वन। ठीक है, यहाँ पे आपका एफ ऑफ सी वन मिलेगा और ये क्या रहेगा सी वन लोकल मिनिमा का पॉइंट, और यहाँ पे क्या रहेगा एफ ऑफ सी वन वैल्यू ऑफ दैट लोकल मिनिमा। तो ये दिख रही है आपको लाइन, क्योंकि ये साइड से और ये साइड से तो आप ढूंढेंगे और इसमें से ढूंढते ढूंढते हमें क्या मिलेगा सबसे हाइस्ट पॉइंट मिलेगा। ठीक है, वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी वाई, और ये पॉइंट ढूंढने हमें सबसे हाइस्ट वैल्यू मिलेगी वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी 100% है। ठीक है, और एक्सट्रीम पॉइंट्स आपको पता है एक्सट्रीम पॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स डालने के बाद क्या मिलेगा आपको जीरो मिलेगा, और इसलिए ये लाइन क्या होती है पैरेलल टू एक्सिस होती है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये तो आपको समझ गया पहला वाला सेंटेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट बात आती है दूसरी, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इस केस में क्या है, तो देखो इस केस में कैसा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ बना लूँ तो ऐसा कुछ बनेगा, क्योंकि ये अगर मैं डिफाइन कर लूँ 1.5 को क्लोज इंटरवल पे, तो अगर मैं 1 डालता हूँ तो मुझे 0 मिलता है, मैं डालता हूँ मुझे क्या मिलता है 0 मिलता है, 5 डालता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 5-1 4 मिलता है। ठीक है, तो मुझे 5 डालने के बाद, ठीक है, और मुझे 1 डालने के बाद 0 मिल रहा है, 1 डालने के बाद मुझे क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। ठीक है, एंड 1 डालने के बाद मुझे क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, एंड 5 डालने के बाद मुझे क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि कैन नॉट डिफरेंशिएट, अब तुम बोले सर कैन नॉट डिफरेंशिएट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ये लाइन है आपकी, क्या ये लाइन कर्व पे बनी है क्या, नहीं, अगर कर्व पे बनी तो हम डिफरेंशियल बोलते हैं ना, ऐसा कुछ कर यहाँ पे टैंजेंट ये फंक्शन क्या हो गया डिफरेंशियबल हो गया क्योंकि टैंजेंट पास हो गया पर्टिकुलर इंटरसेक्शन डी बाई एक्स, बट यहाँ पे क्या है ये तो लाइन ही आ गई, यहाँ पे क्या फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा, फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होगा क्योंकि 5 इस वैल्यू क्या मिल रही है 4 मिल रही है, और 4 इसका क्या हो गया वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गया। और सेकेंड हम एंड पॉइंट्स पे, एंड पॉइंट्स पे कांट ड्रॉ टेंजेंट, मतलब हम एंड पॉइंट्स पे कभी भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, कभी कर सकते हैं क्योंकि देखो ये एंड है, यहाँ से कैसे टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप, एंड पॉइंट पे कभी भी हम टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, इसलिए हमेशा डिफरेंशियबल फंक्शन ओपन इंटरवल में डिफाइन किया जाता है, क्योंकि हम एंड पॉइंट्स पे कभी भी फंक्शन जो भी होगा उस पर टेंजेंट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, एंड पॉइंट्स पे कैसे बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे नहीं बनाएंगे, इसलिए ये जो फंक्शन है आपका लीनियर फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है लीनियर फंक्शन, तो लीनियर फंक्शन में डायरेक्ट स्टेट होता है ना, कर्व होना तो होता है हमें टेंजेंट पास करने के लिए, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अब यहाँ से तो मेरे को लगता है आपको कोई प्रॉब्लम है, सो वी कांट ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ये आपको पता होना चाहिए, सो नॉट फाइंड द डेरिवेटिव, इसलिए हम इसका डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते, डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते मतलब आप बोलेंगे सर ये तो डिफरेंशिएट होता है इसका डेरिवेटिव तो मान आता है, बट यहाँ पे लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम की बात छू रहे इसलिए ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट आ जाएंगे क्योंकि इसका डेरिवेटिव कुछ भी करेंगे आप तो एक्स बचेगा नहीं, लीनियर इक्वेशन का कोई भी अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो एक्स बचेगा नहीं, और कॉन्स्टेंट आ जाएगा तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा वहाँ पर आपको फंक्शन जो कॉन्स्टेंट वैल्यू आई वहाँ पर कहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इसमें हम यहाँ से कर्व है तो प्रॉपरली हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और कभी भी एंड पॉइंट्स पे हम टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए लीनियर इक्वेशन हम एंड पॉइंट्स पे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए क्लोज इंटरवल नहीं हम ओपन इंटरवल पे डिफाइन करते कोई भी फंक्शन। ठीक है, इसलिए उसने बोला है कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल, नहीं तो वो फंक्शन डिफरेंशियबल, तो ये ऐसे केस में फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता जहाँ पे क्लोज इंटरवल दिया जाता है, ओपन इंटरवल तो बात अलग है, और फंक्शन लीनियर एक्स इक्वल टू अगर आपको मॉडिक्स दे दिए। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है
चार पॉइंट, तो x इक्वल टू जीरो पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, x इक्वल टू जीरो पे, क्योंकि चार पॉइंट यहां से आप टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, और यहां से आप बोलेंगे कि इसकी मिनिमम क्या है, वैल्यू क्या है, तो जीरो इज अ मिनिमम वैल्यू, जीरो क्या हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, दिख रहा है आपको साफ, इसलिए यहां फंक्शन क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसलिए हमारे पास ऐसा एक एग्जांपल है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा था तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है, तो इसलिए वो जो थ्योरम था f डैश ऑफ x इक्वल टू जीरो एंड f इज एंड आइदर f डैश ऑफ x इक्वल टू जीरो और क्या बोल सकते हैं f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल ऐसे केस में होता है, तो ऐसे कुछ फंक्शन है जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, तभी हम बता सकते कि वहां पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कुछ तो भी तो मिलेगी ना, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कुछ तो मिलेगी, तो ये चीज हमको समझ लेते, तो मॉड एक्स के बारे में आपको समझना है तो फंक्शन नॉट डिफरेंशियबल एट पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो, बट यहाँ पे जीरो इज अ मिनिमम वैल्यू, तो ये था इंट्रोडक्शन, तो वी कांट ड्रॉ द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट्स, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज डिफाइन द डेरिवेटिव ऑन ओपन इंटरवल, ठीक है, इसलिए हम हमेशा ओपन इंटरवल पे डिफाइन करते हैं डिफरेंशियबल फंक्शन को, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स और इसके एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे और आपको और अच्छे से समझेगा, ठीक है, बाय, थैंक यू।